गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्फेरिकल लेंस क्या है और फिर स्फेरिकल लेंस कितने टाइप्स के, हमने पढ़ा अभी दो टाइप्स के हैं, कन्वेक्स और कनकेव स्फेरिकल लेंसेज। फिर हमने पढ़ा अभी स्फेरिकल लेंस में इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगी, ठीक है, और वो इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगी वो अब हम करके दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे, ड्रॉ करेंगे कि इमेज कहाँ बनेंगे। हमने पढ़ा था अभी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो मुड़ के कहाँ जाएगी, अगर वो ऑप्टिक सेंटर से निकली तो कहाँ जाएगी, अगर प्रिंसिपल फोकस से निकली तो कहाँ जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इमेजेस। इमेज फॉर्म्ड by convex lens, ठीक है। पहला है भाई इसमें when object is at infinity, ठीक है बेटा, देखो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, अपर्चर हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे आने वाली रे क्या होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो उससे आने वाली रे क्या होगी, हमारे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाएंगे भाई, प्रिंसिपल फोकस से। तो इमेज कहाँ पे बनगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनगी। कैसी बनी, स्मॉल इन साइज बनी, ठीक है, स्मॉल इन साइज बनी और कहाँ पे बनी, प्रिंसिपल फोकस पे, रियल बनी, ठीक है ना, इन्वर्टेड बनी, ठीक है। तो लिखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया, बीच से मोटा है, किनारों से पतला है, ये इसका अपर्चर हो गया, ठीक है, ये इसका ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये इसका हो गया भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी भाई, ठीक है। और जो रे ऑप्टिक सेंटर से होके चली जाती है वो कहीं नहीं मुड़ती, सीधी चली जाती है, जहाँ पे दोनों रे मिल जाएंगी वहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी भाई हमारी, ठीक है। हमारी इमेज कहाँ पे बन गई, यहाँ हमारी इमेज बन गई भाई, ठीक है। तो इमेज मान लो जैसे हमारे पास बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है। तो भाई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर
देन इमेज भी कहाँ पे बनेगी, ये सी वन मान लो, ये हमारे पास क्या होगा सी टू, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड और साइज में सेम होगी। किस केस की बात कर रहे हैं हम? कन्वेक्स लेंस के केस की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलो इसके बाद में थर्ड इमेज देखो। थर्ड इमेज है हमारी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे है भाई। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब की बार ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे है। ये ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये हमारे पास F हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है? परे है भाई हमारा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे फोकस से होके जाएगी, जो रे ऑप्टिक सेंटर से होके जा रही है वो कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल जाएगी। जहां पे दोनों मिली वहां पे इमेज बन जाएगी। ये एफ है, ये हमारे पास सी है। ठीक है, ठीक है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फॉर्म्ड इन बिटवीन एफ एंड सी, इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। ओके, चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा। बाकी हम जो बाकी इमेजेस बच गई वो कन्वेक्स से रिलेटेड इमेजेस बाकी हम कल करेंगे, और कनकेव से रिलेटेड इमेजेस भी हम बाकी कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।